निगम भिलाई के वार्ड 5 में निर्मित शहरी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण निगम भिलाई ने करवाया था, परंतु निर्माण के बाद से ही इसमें ताला लटक रहा है, जिससे इसकी उपयोगिता पर सवालिया निशान लगने लगा है। जिस प्रकार नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 5 में यह शहरी स्वास्थ्य केंद्र बना है, ऐसे ही कई वार्डो में और भी स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र निगम द्वारा बनाए गए हैं और इनमें से ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में निर्माण के बाद से ही ताला लगा हुआ है। कहीं ठेकेदार ने अब तक इसे हस्तांतरित नहीं किया है तो कहीं स्टाफ की कमी की वजह से आज तक इसे खोला ही नहीं गया। निगम भिलाई के वार्ड 5 में भी ऐसा ही शहरी स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जो अनुपयोगी साबित हो रहा है। निर्माण के बाद से ही इस स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है और ठीक इसके बगल में निगम द्वारा बच्चों के खेलने के लिए कुछ झूले इत्यादि लगाए गए थे, वह भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं और इन्हें भी निगम भिलाई द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। इससे वार्ड 5 के रहवासी काफी परेशान हैं और निगम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र को जल्दी खोल दिया जाए और बच्चों के लिए जो झूले लगाए गए हैं उसे वापस दुरुस्त कर दिया जाए। जब से नगर निगम प्रशासन ने इसको बनाया हुआ है और ये स्वास्थ्य संबंधित पॉइंट है, जहाँ पे पब्लिक को स्वास्थ्य चिकित्सा हम अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन नगर निगम ने जब से इसको बनाया तब से मैं इसमें कंटिन्यू ताला ही देख रहा हूँ और ये ऐसे ही बंद पड़े रहते हैं, लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो एक तो वो है स्वास्थ्य के लिए हम इतना छोटा मोटा कैंप लगा सकते हैं, शिविर लगा सकते हैं, जांच लगा सकते हैं, जिससे आम पब्लिक को राहत मिले और जब से ये बंद पड़ा हुआ है। और नगर पालिका निगम के द्वारा यहाँ पर छोटा सा गार्डन टाइप का बनाया गया था, इसकी देखभाल कुछ नहीं है, झूले चोरी हो गए हैं, सब इसको बाउंड्री वॉल हो जाता है, यहाँ पर यहाँ भी कोई ध्यान नहीं है। टोटल मिला के निगम का पैसा वेस्टेज हो रहा है, ये वो पैसा है जो हम टैक्स रूप में पे करते हैं, नगर निगम इधर ध्यान ही नहीं दे रही, बर्बादी हो रही है। हाँ बर्बादी है, ये टोटल बर्बादी है। देखो आप देख सकते हो वहाँ पे नगर निगम ने बनाया है, इसकी जवाबदारी भी तो बनती है ना भाई। एक तो बाउंड्री वॉल होता, गेट होता तो सेफ रहता, वो तो एकदम पब्लिकली हो गया ना, कोई भी आ रहा है कोई भी आ रहा, रात में कोई का देखभाल करने वाला नहीं, टूट जा रहा है, चोरी हो जा रहा है। हाँ टीकाकरण साधन मिल सकता, मैं कंटिन्यू खुद टीकाकरण का कैंप लगवाया हूँ तो मेरे खुद ही उधर भटकना पड़ता है कैंप के लिए, अगर ये खुल जाएगा मैं कंटिन्यू कैंप यहाँ लगवा सकता हूँ, लोग यहाँ वहाँ ही भटकेंगे अगर कंटिन्यू यहाँ पे दे देंगे, तो लोग इधर उधर ना भटके ना। इस वक्त डोर टू डोर वैक्सीनेशन एवं कैंप लगाकर कोविड-19 के वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। अगर यह स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया जाता है तो इस टीम को भी काफी मदद मिलेगी, जो टीम बाहर धूप में बैठकर आम जनमानस का वैक्सीनेशन कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।